नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। पहले तो आतंकी आम लोगों को गोलियों या फिर बम धमाकों से उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर उन्हीं आतंकियों को कुछ अज्ञात हमलावर अपनी गोली का निशाना बना देते हैं। पाकिस्तान में कुछ समय से आतंकियों की हत्या आम हो चली है। पैटर्न एक ही रहा है, जिसमें अज्ञात हमलावर बाइक पर आते हैं, जिसमें से पीछे बैठा शख्स उतरता है, आतंकी पर तड़ातड़ गोलियां बरसाता है और फिर बाइक पर बैठते ही भाग जाता है। हैरानी की बात यह है कि अब तक पाकिस्तान में इनमें से एक भी हत्यारा नहीं पकड़ा गया है। और तो और, इन आतंकियों की पहचान भी पाकिस्तान सरकार ने छिपाने की कोशिश की है, जिसमें से इन्हें किसी भी मदरसे या फिर किसी भी मस्जिद का एक आम मौलवी या मौलवी करार दे दिया गया है या फिर मुअज्जिन करार दे दिया गया है। अब इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, नाम है लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर बलाज टीपू। बता दें कि टीपू माल परिवहन नेटवर्क का मालिक भी था। इसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन बताए जाते हैं, जिसकी एक विवाह समारोह में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान हमलावरों ने 3 अन्य लोगों पर भी गोलियां चलाई। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र द डॉन के मुताबिक लाहौर का अंडरवर्ल्ड और माल परिवहन नेटवर्क के मालिक अमीर बलाज रविवार को वो चुंग इलाके में एक शादी समारोह में शिरकत करने गया था। टीपू का लाहौर के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में भी रुतबा था। उसके पिता आरिफ अमीर और दादा बिल्ला ट्रकानवाला भी गैंगस्टर थे, जिसके पिता की 2010 में गोली मारकर ही हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उसका पाकिस्तान में इतना रुतबा था कि उसके पास हमेशा हर समय गनमैन्स रहते थे, साथ ही उसके कई बॉडीगार्ड्स भी थे। ऐशो आराम में भी बलाज खूब रहता था। हमलावरों के गोली चलाने के बाद अमीर बलाज टीपू के बॉडीगार्ड्स ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक हमलावर मारा गया है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर बलाज टीपू को घायल स्थिति में जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद बलाज की मौत हो गई। इसके बाद उसके समर्थक अस्पताल में जमा हो गए। लाहौर में हुई घटना के बाद पाकिस्तान पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। घटना की जांच की जा रही है। पुलिस की पहली कोशिश है हमले के पीछे के मकसद का पता लगाया जाए, फिर हमलावर की पहचान की जाए। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, यानी कि घटना में किसका हाथ है अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो भी इस घटना के पीछे होगा वो पकड़ा जाएगा, या फिर वो भी उन्हीं अज्ञात हमलावरों जैसा निकलेगा जिनके सुराग भी पाकिस्तान की पुलिस को नहीं मिलेंगे। ये देखने वाली बात है। लेकिन पिछले कुछ समय से आतंकियों की घटनाएं जिस प्रकार से पाकिस्तान में बढ़ गई है, वहां के जो बाशिंदे हैं, वहां के जो आम लोग हैं, वो उनके ही देश में अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। हालांकि आतंकियों का काल बनकर अज्ञात हमलावर भी आए हैं। इसके लिए समय समय पर पाकिस्तान की ओर से आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे हैं। अब कौन ये हमले कर रहा है, किस अज्ञात हमलावर ने अमीर बलाज टीपू की हत्या की, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। VK News, राष्ट्र के नाम।